नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड हार्डवेयर वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कूलर के व्हील, कूलर काउंटर। जो आप व्हील देख रहे हैं यहाँ पर, कूलर काउंटर के सभी तरह के व्हील के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि हार्डवेयर की एक विशाल रेंज में से एक रेंज है जो आप सभी हार्डवेयरों पर मिलती है। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कूलर का व्हील है, जो कि कूलर के स्टैंड में लगता है, कूलर के अंदर लगाते हैं। ये ब्लैक कलर का आता है, देखा होगा कि आपने ये पुराने कूलरों में, जो पहले के कूलर चलते थे उन कूलरों में लगा हुआ आता है। ये ब्लैक कलर का व्हील होता है, ये वेल्ड और कसा भी जाता है। ये सेकंड नंबर का व्हील है, इसे मिनी व्हील कहते हैं, जो फाइबर के छोटे व्हील आते हैं या छोटे स्टैंड बनवाते हैं लोग, जिसे उसमें लगाया जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, तीसरे नंबर का व्हील जो है, ये भी कूलर के स्टैंड में काम में आता है। ये बड़ा व्हील है, इसे वेल्ड करा जाता है, यहाँ पर से कस भी सकते हैं। ये ऑरेंज कलर में आता है, देखिए दोस्तों, ये ऑरेंज तो सभी कलर में आते हैं पर ये ऑरेंज वाले अच्छे रहते हैं। ये मिनी फिक्सर के नाम से फेमस व्हील है, जो कि फर्नीचर की विशाल रेंज में आता है। ये आपके डोर, स्लाइडिंग डोर वगैरह में भी काम में आता है, काउंटर वगैरह के भी काम में आता है। तो दोस्तों इसे देखिए, इस तरह से चला भी सकते हैं और ये कसाता भी है, और चाहे तो आप लोहे के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यही वही व्हील है जो आपको दिखाया है, सिंगल ही डबल फॉर्म में है। ये मूविंग व्हील है, इसे मूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मजबूती रहती है इसके अंदर। ये डबल व्हील है, इसे वेल्ड भी कर सकते हैं दोस्तों और घुमा के चला भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये मिनी फिक्सर का बड़ा वर्जन है, जिसमें बड़े व्हील आते हैं, इसे कस भी सकते हैं और इसे वेल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों का अंतर बता दूं आपको, एक छोटा व्हील है, एक बड़ा व्हील है। एक छोटा व्हील मिनी फिक्सर, जो कि मैंने आपको बताया था, ये बड़े व्हील हैं, ये काउंटर में लगाए जाते हैं। और लास्ट में सबसे अच्छा व्हील है, जो कि बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, मूविंग कहलाता है, मजबूत भी बहुत रहता है। ये व्हील करीबन आप समझ लीजिए, इस व्हील से आप 2-5 क्विंटल जितना भी वजन इस व्हील पर देंगे, ये व्हील इतना लोड उठा सकता है। इसमें एक बेयरिंग लगा होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, और बहुत मजबूत रहता है ये व्हील। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरे व्हील के बारे में आज जानकारी दी है, पूरे व्हील के बारे में सभी तरह के व्हील आपको दिखा दिए, मिनी फिक्सर भी दिखा दिया, सिंगल व्हील भी दिखा दिया है। जैसे कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आपको जो भी जानकारी चाहिए उसे कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आपको इसके बारे में और जानकारी दे सकें, इसके प्राइस के बारे में भी जानकारी दे सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।